दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को समय समय से कवर करेंगे और बहुत सारे कोर्सेज आपके पास डिटेल में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोज अपलोड हों आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के टॉपिक को। हम इनकम टैक्स के टॉपिक को कवर करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसके प्रोविजन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया एक वीडियो में, उस वीडियो को देखें उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि इस वीडियो को हम सिंपली एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए फटाफट बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आपके बुक में दिया हुआ है, जिन स्टूडेंट के पास बुक अवेलेबल है वो बुक में रेफ़र कर सकते हैं और बाकी लोगों के लिए मैं शॉर्टकट में रीड कर रही हूँ। मिस्टर पूरव हैं जिनकी एज है 26 ईयर्स, ठीक है, और उनकी जो टोटल इनकम है वो है 4,80,000, ठीक है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया अदर देन हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए मैंने स्पेशली क्यों रीड किया इसको देखने के लिए आप प्रोविजन वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए आपने सैलरी इनकम और आपकी बैंक से जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है 4,80,000 में। ठीक है, तो इसमें बोला है आपको कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021 की। जिन स्टूडेंट को असेसमेंट ईयर की मीनिंग रिकॉल नहीं है प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि केवल बेसिक मीनिंग शायद आपको पता हो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें उस वीडियो में कवर्ड हो तो ज़रूर से उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं मिस्टर पूरव की टोटल इनकम। तो जो 4,80,000 है उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये भी एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो हम कोई रन करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो इनकी एज क्या थी, 26 ईयर्स थी, तो बेसिक स्लैब इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा और रिबेट इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी हम चेक कर लेंगे। इनको रिबेट मिलेगा क्यों, क्योंकि एक इंडिविजुअल हैं जिनकी आय 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इनको रिबेट मिल जाएगा अंडर 87A। ठीक है, तो 4,80,000 पे टैक्स कितना बनता है जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000 तो आपका नील है, उसके बाद आपका 5% है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 11,500। ठीक है, 11,500 आ रहा है आपका टैक्स पेबल। और रिबेट की लिमिट क्या थी, 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, और क्या थी, 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी और 12,500, जो भी लोअर होगा। तो हमारा लोअर क्या आ रहा है, 11,500 आ रहा है, तो रिबेट कितना मिल जाएगा, हमारा टैक्स पेबल था 11,500 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A विच एवर इज लोअर 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 12,500, तो 11,500, तो जो हमारा नेट टैक्स आ रहा है वो क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को प्लीज़ सॉल्व करने से पहले तीन वीडियोज़ आपको देखने ज़रूरी हैं, एक तो प्रोविजन का जो अंडर 87A है, दूसरा आपको एसएससी की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, तीसरा आपको असेसमेंट ईयर, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, उस असेसमेंट ईयर की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और चार वीडियो, एक जो बेसिक न्यूमेरिकल का एक वीडियो कवर है उसको भी ज़रूर देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखेंगे। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट है, उनके माइंड में कोई क्वेरी रेज हो रही है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारे से, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके वहाँ पे भी आप क्वेरीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थम्स अप लाइक बटन क्लिक करें, और नहीं पसंद आया तो अपने सजेशंस दें कमेंट सेक्शन में, अपने आइडियाज़ दें, ताकि उन आइडियाज़ को एनालिसिस कर करके हम फ्यूचर वीडियोज़ में और क्वालिटी डाल करके आपके सामने लेकर आएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत सारे कॉमर्स रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को और मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को इस चैनल के थ्रू कवर किया जाएगा। सो हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।